नमस्कार, मैं रजत हूं और आप जुड़ चुके हैं लल्लनटॉप के साथ। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जमुई से सांसद हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से असहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को फैसले में कहा था कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दावा करना मौलिक अधिकार नहीं है। कोई भी अदालत राज्य सरकारों को SC और ST वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्देश नहीं दे सकती। आरक्षण देने का अधिकार और दायित्व पूरी तरह से राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर करता है कि उन्हें नियुक्ति या पदोन्नति में आरक्षण देना है या नहीं देना है। राज्य सरकारें इस प्रावधान को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट के इस फैसले पर LJP नेता ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 फरवरी 2020 को दिए गए निर्णय, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरी पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से सहमत नहीं है। ये निर्णय पूना पैक्ट के समझौते के खिलाफ है। पार्टी भारत सरकार से मांग करती है कि तत्काल इस संबंध में कदम उठाकर आरक्षण पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से चलने दिया जाए। क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। ये किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है कि वह प्रमोशन में आरक्षण का दावा करे। कोर्ट इसके लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता कि राज्य सरकार आरक्षण दे या ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 16(4)(a) के तहत प्रावधान है कि राज्य सरकार डेटा एकत्रित करके पता लगाएगी कि SC ST कैटेगरी के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं, ताकि प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सके। लेकिन ये डेटा राज्य सरकार द्वारा दिए गए रिजर्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए होता है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ये तब जरूरी नहीं है जब राज्य सरकार रिजर्वेशन नहीं दे रही है। राज्य सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है, और ऐसे में राज्य सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है कि वह पता करे कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं। ऐसे में उत्तराखंड हाईकोर्ट का निर्देश खारिज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्तराखंड हाई कोर्ट का 2012 में दिया गया फैसला निष्प्रभावी हो गया। 2012 के हाई कोर्ट के फैसले में समुदायों को कोटा देने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिया गया था। उस समय वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, कोलिन गोंजाल्विस और दुष्यंत दवे ने दलील दी थी कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए अनुच्छेद 16(4) और 16(4)(a) के तहत विशेष प्रावधान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। थोड़ी सी बात आरक्षण के बारे में भी कर लेते हैं। संविधान जब बना तो वादा किया गया था कि सभी नागरिकों को बराबर के मौके मिलेंगे, लेकिन समाज के कुछ तबकों को खास मौकों की जरूरत थी, जैसे दलित और आदिवासी। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत नौकरियों और सरकारी कॉलेज की सीटों में आरक्षण दिया गया। इस तरह आरक्षण आया। ये राज्य माने केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, वो इससे पीछे नहीं हट सकती। प्रमोशन में आरक्षण कहां से आया, अब आप ये भी जान लीजिए। 80 के दशक में देश के कई राज्य प्रमोशन में आरक्षण देने लगे। इन पर ब्रेक लगा नवंबर 1992 में, जब मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही। पहली बात, आरक्षण की व्यवस्था नियुक्ति के लिए है, ना कि प्रमोशन के लिए। और दूसरी बात, रिजर्वेशन कुल भर्ती का 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए 1995, 2000, 2001 में कई संविधान संशोधन किए गए। 2002 में इन सभी संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले को हम एम नागराज केस के नाम से जानते हैं। एम नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में फैसला देते हुए कहा, ये सारे संशोधन वैध हैं। माने सरकारें अपने यहां प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं, लेकिन तीन बातों का ध्यान रखना होगा। ये तीन बातें क्या हैं, वो भी जान लीजिए। पहली बात, जिस समुदाय को ये लाभ दिया जा रहा है उसका प्रतिनिधित्व क्या वाकई बहुत कम है। दूसरी बात, क्या उम्मीदवार को नियुक्ति में आरक्षण का लाभ लेने के बाद भी आरक्षण की जरूरत है। तीसरी बात, एक जूनियर अफसर को सीनियर बनाने से काम पर कितना फर्क पड़ेगा। इसके लिए सरकारों को क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करना था, बताना था कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए ठोस आधार क्या है। यह केस बाय केस बेसिस पर होना था, माने जब जब प्रमोशन होना तब तब ये पूरी कवायद करनी थी। नागराज मामले ने आरक्षण देने का रास्ता तो साफ कर दिया, लेकिन इसे लागू करने में सरकारों को पसीना आ गया। नागराज जजमेंट के बाद भी अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने यहां प्रमोशन में आरक्षण के लिए नियम बनाए, लेकिन लगभग हर बार मामला कोर्ट चला गया। इस तरह के मामले इतने बड़े कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हुई। 26 सितंबर 2018 को CJI रहे दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह साफ कर दिया था कि नागराज मामले पर दोबारा सुनवाई नहीं की जाएगी। उस पर 2006 वाला फैसला बना रहेगा। बस पिछड़ावन साबित करने के लिए क्वांटिफाइबल डेटा की बंदिश हटा ली गई।
नागराज जजमेंट के बने रहने का मतलब एससी एसटी में क्रीमी लेयर नहीं होगा और प्रमोशन में आरक्षण देना ना देना चुनी हुई सरकारों की मर्जी पर रहेगा। दी लालनटॉप के लिए ये स्टोरी डेविड ने की थी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए दी लालनटॉप.com। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।